नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ श्रद्धा धाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सामने आप बिरला मंदिर देख रहे हैं और अभी हम हैं अयोध्या फैजाबाद मार्ग और यहाँ से ही सीधा श्री राम जन्मभूमि तक नया मार्ग बन रहा है और इस मार्ग का शुरू से ही हम आपको अपडेट देते रहे हैं। और जब से यहाँ कार्य शुरू हुआ है इस मार्ग का, हम शुरू से ही इस वीडियो के माध्यम से श्री अयोध्या धाम चैनल पर मार्ग का अपडेट देते आ रहे हैं और अभी क्या स्थिति है उसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अभी यहाँ का जो कार्य हो रहा है वो ज़मीन को समतल किया जा रहा है, यानी अभी ज़मीन को जो गड्ढे हैं उसको समतलीकरण करके उसको पाटा जा रहा है। आगे हम आपको दिखाएंगे जो जो मशीनें लगी हुई है उसको भी हम आपको दिखाने ले 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 चलते हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि सामने आप देख सकते हैं कि क्रेन के माध्यम से जो है ज़मीन को समतल किया जा रहा है, मतलब एक बराबर किया जा रहा है और उसके बाद रोलर के माध्यम से इसको पाटा जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक क्रेन है, अभी ये पीछे जाएगा फिर उल्टा वापस होके इसको एक बराबर करते हुए जो मिट्टी ऊपर नीचे है उसको एक बराबर करते हुए आगे को आएगा। और रोलर देख सकते हैं सामने, वो भी उसका कार्य है कि एक बराबर जो रहे वो एकदम चिकना कर देगी जब ये पूरा काम कर देगा। दोस्तों, इस मार्ग का जो चौड़ाई है वो लगभग 30 मीटर यानी 90 फीट का होगा और यहाँ पे कई सारी सुविधाएं होंगी। हम आपको बता दें कि यहाँ पे बेंच लगेंगी और श्रद्धालुओं के लिए चार्जिंग पॉइंट रहेंगे और भी कई सारी सुविधाएं रहेंगी और हरियाली रहेगी, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और भी कई सारी सुविधाएं होंगी। और जब ये कार्य होगा तो उसकी भी वीडियो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और हम आपको बता दें कि सेल्फी पॉइंट के साथ साथ शौचालय की व्यवस्था और चार्जिंग पॉइंट के साथ साथ तो होगा ही और भी कई सारी सुविधाएं होंगी और पूरा मार्ग हरियाली युक्त रहेगा। और ये देखिए, ये पीछे जाके फिर वापस जाएगा समतलीकरण करते हुए। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मार्ग का नाम श्री राम जन्मभूमि पथ रखा जा सकता है और यहाँ पे जो गाड़ियों का आवागमन रहेगा वहाँ यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही यानी ई रिक्शा और ई स्कूटी जो आ रहे हैं वही चलने का परमिशन रहेगा चल जाने का। और यहाँ पे एक मार्ग से जाने का दूसरे मार्ग से आने का रास्ता यह बनाया जाएगा और साइड साइड में फुटपाथ भी रहेंगे और जो इलेक्ट्रिक वाहन रहेंगे वो बीच से जाएंगे और बाउंड्री हो सकता है यहाँ पे बाउंड्री भी बना दें। और ये देखिए, आपको पास से दिखा रहे हैं, ये देखिए ये एक बराबर करते हुए पूरा आगे तक चले जाते हैं यहाँ से, ये देखिए ये। देख सकते हैं श्रद्धालु लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे और इस जो चौड़ीकरण की लागत है दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं कि चौड़ीकरण की लागत जो आई है वो 34 करोड़ रुपए है लगभग। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक इस मार्ग का जो सुंदरीकरण है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगेगा। और जब ये पूरा बन जाएगा तब उस इस मार्ग को देखने लायक रहेगा और अयोध्या के सबसे सुंदर मार्गों में से एक गिना जाएगा। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी जो अन्य चौड़ीकरण योजनाएं हैं वो भी रुक गई है क्योंकि अभी चुनाव आ गए हैं और चुनाव जब कंप्लीट हो जाएंगे पुनः सरकार वापस आएगी तो उस पर कार्य बहुत तेज़ी से होंगे। लगभग उन सभी कार्यों के काम पूरे हो गए हैं, जैसे सिंगारहाट से राम जन्मभूमि तक के जितने जो कार्य थे सरकारी के, सरकारी कागज कंप्लीट लगभग हो गए हैं, बस दुकानदारों को उनको मुआवजा देकर खाली कराकर वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, बाकी उनका कार्य पूरा हो गया है। आप ये देख सकते हैं ये राम जन्मभूमि मार्ग लगभग
पूरा आप दे सकते हैं, सामने श्री राम जन्मभूमि की बाउंड्री है वो भी आप दे सकते हैं। और ये देखिए, और ये अभी का वर्तमान जाने आने का मार्ग है सुगरी किला होते हुए, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये देख सकते हैं, यहाँ से सीधा आप उस सुगरी किला होते हुए जो बाउंड्री है वो हटा दी जाएगी, उसके बाद सीधा आप श्री राम जन्मभूमि तक जा सकते हैं। ये देखिए इतना चौड़ा मार्ग है, और यहाँ पे देख सकते हैं कार हो रहा है, जो बाउंड्री हो रही है, इस बाउंड्री को हो सकता है धीरे धीरे पूरा रोड तक ले जाएं, और जब ये पूरा हो जाएगा तब इस मार्ग को देखने लायक बहुत ही खूबसूरत मार्गों में से एक गिना जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं, और भगवा झंडा यहाँ पे बहुत बिकता है, बहुत लोग ले जाते हैं, समझ लीजिए श्री राम, एक झंडे में श्री राम की तस्वीर बनी हुई है और एक झंडे में हनुमान जी का, उसमें श्री जय श्री राम लिखा हुआ है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय सियाराम जी की।